बाजार में चौतरफा खरीदारी देखने को मिली और बाजार दिन के ऊपरी स्तरों के करीब बंद हुआ। दिग्गजों के साथ साथ छोटे मझौले शहरों में भी अच्छी खरीदारी रही। कारोबार खत्म होने पर सेंसेक्स 297 और निफ्टी 72 अंक की बढ़त के साथ बंद हुए। और मेरे साथ मेरे सहयोगी रजत यहां पर ज्यादा अपडेट के लिए जुड़ गए हैं। रजत, बाजार में आखिर कहां दिखा एक्शन? जी, आज भी बाजार में जोरदार तेजी देखने को मिली और इस हफ्ते लगातार दूसरे ट्रेडिंग सेशन में पॉजिटिव क्लोजिंग। लगभग 72 पॉइंट ऊपर निफ्टी बंद हुआ और 297 अंकों का उछाल सेंसेक्स पे देखने को मिला। ट्रेंड जो पॉजिटिव था उसमें निफ्टी के गिनेज में M&M, अदानी पोर्ट, टेक महिंद्रा और ONGC शामिल थे। हालांकि गिरावट आज इंडिया बुल्स हाउसिंग में आई, नतीजों के बाद का इम्पैक्ट था। स्टॉक दिन के निचले स्तर के आसपास बंद हुआ। आयशर मोटर, सिप्ला जैसे स्टॉक्स ने भी डिसअपॉइंट किया। लेकिन आज कुछ जो सेक्टर चले उसमें प्रोमिनेंट था बैंकिंग, जिसमें साउथ इंडियन बैंक रिजल्ट्स का इम्पैक्ट, डबल डिजिट रिटर्न्स एक सिंगल ट्रेडिंग सेशन में साउथ इंडियन से मिले हैं। इसके अलावा फेडरल बैंक नतीजे बेहतर लगे बाजार को, ये चल गया। ICICI बैंक, PNB, यूनियन बैंक, ये कुछ और तेजी वाले स्टॉक्स। ऑटो और साथ साथ ऑटो एंसिलरी पैक, यहाँ पर तेजी थी, लीड कर रहा था एस्कॉर्ट्स। इसके अलावा ऑटो एंसिलरी में गैब्रियल, प्रिकोल, भारत गियर्स, यहाँ पर तेजी बनती हुई नजर आई। तेल गैस शेयर्स में पेट्रोनेट, चेन्नई पेट्रो की बारी थी। ONGC निफ्टी में बहुत स्ट्रॉन्ग गेन दे रहा था आज। IT शेयर्स की चाल तेज है, वैसे पिछले कुछ दिनों में टाटा एलेक्सी, एम्फोसिस, NIT टेक जैसे स्टॉक्स आज भी लाइमलाइट में आए। और साथ साथ सीमेंट एक और तबका जो आज मार्केट में कंप्लीटली आउट परफॉर्म कर रहा था रेस्ट ऑफ द स्टॉक्स को। लेकिन एक और परिफेरल था होजरी शेयर्स, जिसमें रूपा, लवेबल, VIP क्लोथिंग, TT लिमिटेड जैसे स्टॉक्स मोमेंटम स्ट्रॉन्ग था। और ऐसी मार्केट में छोटे मझौले स्टॉक में तो कैचअप रैली है ही, जिसमें सेंचुरी प्लाई, फ्यूचर रिटेल, HEG और MCX ये आज के स्टार परफॉर्मर साबित हुए। ठीक है, शुक्रिया रजत इस तमाम अपडेट के लिए।